बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्मोडायनामिक्स का फिफ्थ प्रैक्टिकल करेंगे और उसका नाम है एयर फ्लो इंपोस्टर बाय। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके से हम एयर का प्रेशर देके हम देखेंगे कि टर्बाइन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। इसका मैं स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। एयर फ्लो इंपोस्टर बाय का वो ये है जनाब, इसका ये प्रेशर रेगुलेटर है जिससे हम प्रेशर देते हैं। ये इसका टेम्परेचर इन है, ये टेम्परेचर आउट है जो एयर का टेम्परेचर है, और उसके बाद ये प्रेशर गेज है कि जितना आपने प्रेशर इसके ऊपर डाला है। और ये आपके पास चार नोजल लगी हुई हैं, दो आपकी 20 के एंगल पे लगी हुई हैं, दो आपकी 30 के एंगल पे लगी हुई हैं, और ये पीछे आपका एक सर्कुलर कॉइल है। इससे क्या है कि आप इसके ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस कर सकते हो, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो कि आपके ये घूमने से कितनी टॉर्क प्रोड्यूस होती है। अब हम सबसे पहले इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये कनेक्शन जो है, ये आपने जनाब, हम ये जो है इसका कनेक्शन करते हैं फाइन, और ये हमने जनाब प्रेशर कर दिया ऑन। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका स्विच ऑन। तो सबसे पहले आपने टॉर्क ज़ीरो करनी है, उसके बाद अब ये देखें ज़ीरो प्रेशर है, इस पर मैं प्रेशर प्रोड्यूस करता हूँ, ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये प्रेशर के ऊपर मैंने 2.5 तकरीबन खोल दिया है प्रेशर इसका। ठीक है, तो इस प्रेशर के ऊपर मैं एक नोज़ल खोलता हूँ आपकी, तो उस नोज़ल खोलने से एयर इसके ऊपर पड़ेगी, और जो एयर आपकी पड़ेगी उससे इसकी टर्बाइन घूमेगा, और वो टर्बाइन की स्पीड हम मेजर करेंगे, उससे फिर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। ये मैं 20 एंगल की एक नोजल खोला या फिर टर्बाइन चल रहा, टॉर्क इज इक्वल टू RF, और टॉर्क आप यहाँ से मेजर कर सकते हो कितनी है, इस तरह आप इस टर्बाइन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो यही हमारा आज का प्रैक्टिकल था।